नमस्कार सभी भाइयों को ठंड में बच्चों की मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है फार्म पे देख रहे हैं हमारे फार्म पे एक भी बच्चों को हमने बाहर नहीं रखा एक भी बच्चा हमारे यहाँ बाहर नहीं दिया बकरियों को हम लोग निकाले हैं बहुत लेट से निकाले इस समय टाइम की अगर हम बात करें तो जो टाइम हो रहा है वो रहा है ग्यारह बज रहा है हम लोग नौ बजे करीब निकाले हैं नौ दस बजे क्योंकि ठंड से आप बकरी को बचा लेते हैं ठंड और बरसात से तो आपके यहाँ बकरियों में कोई समस्या नहीं होगी हमारे एक भी बकरी सर्दी जुकाम से ग्रसित नहीं है दूसरी चीज बच्चों को आपको कैसे रखना मैं बता दू देखिए मेरा फार्म है सुबह में फार्म की सफाई की गई है शाम को सफाई करने बाद बच्चे इसमें भी नहीं है देख रहे हैं आप ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है फार्म हमारा इसमें बच्चे बिल्कुल नहीं है और बच्चों को हमने कहाँ रखा है पंकज दिखाई यहाँ से बच्चों को हम लोग इसमें रखे हुए हैं अभी तक बच्चों को नहीं चले अंधेरा है अंदर और बच्चों को हमने नहीं चला देख रहे हैं क्यों क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बात अलग है लेकिन ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगा लेकिन बच्चे अंदर खा रहे हैं क्योंकि अंदर का टेम्परेचर सही है और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गर्मी हो तो ही बच्चे को बाहर खा नहीं तो निकालना जरूरी नहीं है अभी कल मेरे पास फोन आया था सर हमारे यहाँ बकरी जो है तो बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे हैं क्योंकि हमने उसको बाहर सुबह में निकाल दिया था और सुबह में बाहर निकालते ही बच्चों में मृत्यु हो गई देखिए एक और चीज है ठंड ज्यादा है तो हम चाहें तो अंदर भी खिला सकते हैं बकरियों को लेकिन एक समस्या ये क्रिएट हो जाएगा जब अंदर खिलाएंगे तो पंकज दिखाइए यह नमी जो है ना नमी दिखाई दे रहा है आपको यह नमी खत्म नहीं होगा ये देख रहे हैं आप ये नमी जो है खत्म नहीं होगा तो नमी नहीं खत्म हुआ तो और ज्यादा ठंड पड़ेगा और पूरा देखिए कवर कर दिया गया फार्म को जो लोग भी नए फार्मर है उनको यह बात समझ लेना चाहिए कि ठंड में जितना फार्म को आप कवर करके रखेंगे बकरियों को जितना ठंड से बचाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा क्योंकि अगर फार्म में गर्मी है तो ही आपकी बकरियां सेफ नहीं तो ठंडी से बहुत ज्यादा बकरियों में मृत्यु दर होती है सर्दी जुकाम की समस्या आ जाएगी तो यह चीज आपको विशेष ध्यान देना है कि ठंडी तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत चरण सीमा पर बहुत तेज ठंडी बढ़ी हुई है और इस ठंड में बकरियों को लो टेम्परेचर की समस्या बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप कोशिश करें बकरियों को सूखा चारा हरा चारा दोनों साथ में खरी की मात्रा ऐड कर लीजिए खली जो होता है फैट होता है खली में ठीक ना वसा जो इसे बोलते हैं तो फैट या वसा आप देते हैं बकरी को तो इससे बॉडी का जो कोट होता है वो मजबूत होता है जिसकी वजह से ठंड बकरियों में बहुत कम लगती है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें ओके धन्यवाद तो